तो कहानी की शुरुआत में हमें अकाने एंड उसका बॉयफ्रेंड तकुमा को दिखाया जाता है जो कि एक कैफे में बैठा हुआ था, जिधर अचानक से अकाने का बॉयफ्रेंड कहता है मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहता हूँ क्योंकि मैं किसी और लड़की को प्यार करता हूँ। उसका ये बात सुन के अकाने उसे कुछ बोल नहीं पाती है। अकाने बस उसे देख ही जा रही थी। अकाने अपने मन में सोचती है कि मुझे लग ही रहा था कि कुछ गड़बड़ है क्योंकि बहुत दिनों से तकुमा कुछ अलग सा बिहेव कर रहा था। अब सीन चेंज होता है एंड हमें दिखाया जाता है कि अकाने अपने घर पे है जिधर अकाने का फ्रेंड मोमो उधर आई हुई थी एंड वो बहुत जोर से हंस रही थी क्योंकि अकाने का बॉयफ्रेंड अकाने को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसको ऑनलाइन में एक लड़की के साथ प्यार हो गया इसलिए। इधर मोमो अकाने को कहती है कि तुम दुखी मत हो, ऐसे उदास मत होना, लेकिन इधर अकाने बहुत ज्यादा उदास थी। अकाने अपने बॉयफ्रेंड के साथ बिताया हुआ हर एक पल याद करने लगता है कि कैसे उसका बॉयफ्रेंड उसे गेम खेलना सिखाया था। तभी तकुमा का मैसेज आ जाता है। तकुमा मैसेज करता है कि मैंने तुम्हें गेम में जो सारे चीज को दिया है खरीद के वो सब कुछ तुम मुझे वापस कर दो एंड ये चीज देख के वो और भी ज्यादा दुखी हो जाता है अकाने। इधर मोमो अपने कॉलेज पे चली जाती है क्योंकि उसका क्लासेस शुरू होने वाली थी। मोमो जाती हुई कह जाती है कि अकाने तुम दुखी मत होना, सब कुछ सही हो जाएगी। इधर हमें अकाने को दिखाया जाती है जो कि अपने मन में सोचती है कि मुझे ऐसे उदास रहने से कुछ फायदा नहीं है, मुझे भी मूव ऑन करनी पड़ेगी। फिर अकाने अपने लैपटॉप को ऑन करके उस गेम को ओपन करती है ताकि वो सारी चीज को अपनी एक्स को वापस कर सके जो उसकी एक्स ने उसे दिया था गेम के अंदर। लेकिन अकाने जब चेक करती है कि उसकी एक्स ने उसे क्या क्या चीज गिफ्ट किया था वो देख के और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो सारी चीज में से बहुत सारे चीज वो अपने पॉकेट से मतलब अपने पैसों से खरीदा था। अकाने सोचती है कि अगर मुझे पता चल जाता कि वो मुझसे ब्रेकअप करने वाली है तो मैं इस बेकार सा गेम के लिए इतने सारे पैसा वेस्ट नहीं करती। ये बातें सोचते सोचते वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है अकाने, इसी कारण वो गेम के अंदर एक गेम स्टार्ट कर देती है एंड बहुत सारे हंटिंग करना शुरू कर देती है अपने गुस्से को निकालने के लिए। तभी उधर दूसरा एक बंदा आ जाता है। उसे अकाने जब चेक करता है उसे पता चल जाता है कि ये बंदा उसका एक गिल्डमेट है एंड इसका नाम है यामादा। अकाने यामादा को मैसेज लिखती है, वो लिखती है कि गुड मॉर्निंग, लेकिन यामादा उसे कोई भी जवाब नहीं देता है। बट कुछ देर बाद यामादा उसे हेलो मैसेज करता है। अकाने उसे पूछती है कि तुम इधर क्या कर रहे हो। यामादा कहता है कि मैं इधर हंटिंग करने के लिए आया था। अकाने सोचती है कि ये इतना लेट लेट क्यों जवाब दे रहा है मुझे। फिर अकाने यामादा को अपनी दुख भरी कहानी सुनाने लगती है कि कैसे उसका बॉयफ्रेंड ने उसे धोखा दिया, लेकिन यामादा बस उसे इग्नोर करने की कोशिश करता है एंड कुछ जवाब नहीं देता है। कुछ देर बाद यामादा कहता है कि अच्छा सुनो, मुझे हंटिंग के लिए ये ग्राउंड चाहिए था, क्या तुम इस ग्राउंड को छोड़ सकती हो। उसका ये बात सुन के अकाने बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो जाती है, इसी कारण वो यामादा को बहुत ज्यादा उल्टा सीधा सुनाने लगती है। लेकिन उस तरफ से यामादा उसे कहता है कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ इस टॉपिक पे एंड ये बात सुन के अकाने और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है एंड वो कहती है कि नहीं मैं तुम्हें ये ग्राउंड नहीं देने वाली हूँ एंड और भी ज्यादा उल्टा सीधा बोल के वो गेम से बाहर आ जाती है। अब कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जिधर अकाने बैठ के कॉफी पी रहा था तभी अकाने के लैपटॉप में गेम का नोटिफिकेशन आता है जिधर लिखा था कि 1 ईयर एनिवर्सरी होने वाला है इस गेम का एंड ये गेम वाले एक स्पेशल जगह पे एक पार्टी या फिर मेला टाइप का कुछ ऑर्गेनाइज करने वाले थे जिधर गेमर्स को बहुत सारे फ्री में रिडीम कोड्स एंड बहुत सारे आइटम दिया जाता। ये चीज देख के अकाने सोचने लगती है कि अगर उन दोनों का ब्रेकअप ना होता तो वो दोनों भी उस गेम वाले पार्टी पे जाते जिधर वो दोनों बहुत सारा एंजॉय करते एक साथ मिलके एंड ये सारे बात सोचते सोचते अकाने रोने लगती है। अब हमें नेक्स्ट दिन का सीन दिखाया जाता है जिधर अकाने अपने कॉलेज पे आया हुआ था। उधर उसके साथ उसका बेस्ट फ्रेंड मोमो के साथ मुलाकात हो जाती है। उसको अकाने मोमो को कहती है कि क्या तुम मेरे साथ शॉपिंग करने चलोगे। मोमो इसके लिए राजी हो जाती है लेकिन अकाने का तो कुछ और ही प्लान था। अकाने सोचती है कि मैं उस गेम वाले पार्टी में जाऊंगी बहुत ही सज धज के क्योंकि मुझे पता है कि उस पार्टी पे मेरा एक्स आने वाला है एंड मैं ऐसे सज धज के जाऊंगी कि मुझे देख के वो जेलसी फील करेगी। फिर हम लोग देखते हैं कि अकाने बहुत सारा शॉपिंग वगैरह करता है एंड बहुत सारे मेकओवर बॉडी मसाज ये सब करवाता है। अब वो इवेंट वाला दिन आ जाता है जिधर अकाने जिधर उस गेम का इवेंट होने वाला था ना उधर आ जाती है। अकाने रियलाइज करती है कि वो इस महीने बहुत सारा पैसा खर्च कर लिया है इसी कारण वो इधर कुछ भी खरीद नहीं सकती है। फिर अकाने इधर उधर अपनी एक्स बॉयफ्रेंड को ढूंढने लगती है। तभी कुछ देर बाद ही अकाने अपनी एक्स बॉयफ्रेंड को देख लेती है एंड उसके साथ उसका गर्लफ्रेंड भी था। उन दोनों को देख के अकाने सोचने लगती है कि मुझे क्या करना चाहिए अभी। तभी तकुमा एंड उसका गर्लफ्रेंड उधर से जाने लगती है एंड ये चीज देख के अकाने उन दोनों की तरफ भागने लगता है। लेकिन तभी भागते भागते अकाने एक लड़के के साथ टक्कर खा के नीचे गिर जाती है क्योंकि उधर बहुत ज्यादा भीड़ था। अकाने इधर सोचती है कि मैं इधर ये सब क्या कर रही हूँ, ऐसे एम्बैरेसिंग चीजें मैं क्यों कर रही हूँ एंड मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये सब सोच के जैसी वो रोने वाली थी तभी उधर एक हैंडसम सा बंदा आ जाता है एंड वो कहता है कि क्या ये तुम्हारा जूता है एंड तुम ठीक तो हो ना। अकाने जब इस बंदे को देखता है वो तो बस देख ही जा रही थी। अकाने सोचती है कि ये कितना ज्यादा ही खूबसूरत है। इधर अकाने उसको क्या बोलेगा कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो बस चुपचाप उसे देख ही जा रहा था एंड बहुत ज्यादा शर्मा रहा था। लेकिन ये बंदा अकाने को देख के कुछ अजीब सा बिहेव कर रहा था। अकाने उसे सॉरी कहती है बट ये बंदा कहता है कि मुझे ये सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये बोल के उधर से जाने लगता है। अकाने सोचती है कि अरे ये तो वो सेम लाइन बोल रहा है जो वो गेम वाला बंदा कह रहा था जिससे वो पिछले दिन गेम में मिली थी। अकाने
अकाने उसे कहता है कि यामादा। तभी वो बंदा पीछे मुड़ कहता है कि तुम हो कौन। अकाने तो घबरा जाती है ये चीज देख के, लेकिन तभी पीछे से ताकुमा उसे आवाज देता है, अरे ये वही है जो इसका एक्स बॉयफ्रेंड। अकाने इसको देख के बहुत ज्यादा घबरा जाता है एंड कुछ अजीब सा बिहेव करने लगता है। अकाने कहता है कि अरे क्या कोइंसिडेंस है कि हम दोनों सेम जगह पे ही है। लेकिन ताकुमा सीधा जाके यामादा को पकड़ लेता है एंड रोने लगता है, कहता है कि मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ। ताकुमा अपने गर्लफ्रेंड को भी दिखाता है कि ये बंदा बहुत ज्यादा अच्छा गेम खेलता है, बहुत ज्यादा पॉपुलर है। लेकिन इधर अकाने तो सोचती है कि भाई इधर चल क्या रहा है। अकाने यामादा से पूछता है कि क्या तुम पॉपुलर हो। यामादा उसे कहता है कि हाँ लोकली थोड़ा बहुत पॉपुलर हूँ एंड ये बात सुन के अकाने एक एविल से स्माइल करती है। वो सीधा यामादा को पकड़ लेता है एंड कहता है कि हम दोनों डेट पे आए, क्या तुम दोनों भी डेट पे आए हो। लेकिन इधर ताकुमा कहता है कि अच्छा तुम भी इधर हो। ये चीज सुन के भाई बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है अकाने। अकाने कहती है कि मैं तो इधर तब से हूँ जब से तुम इधर आए हो। लेकिन तभी यामादा कहता है कि नहीं मैं इसका बॉयफ्रेंड नहीं हूँ। ये सुन के लिटरली अकाने रोने लगती है उसके सामने। अकाने कहता है कि प्लीज तुम मन जाओ, अभी के लिए तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ। लेकिन यामादा मान नहीं रहा था उसकी बात। तभी अकाने उसको एक रेयर सा रिदिम कोड देता है, इसी कारण ये रिश्वत लेके यामादा मान जाता है। लेकिन इधर ताकुमा बहुत ज्यादा उदास हो जाती है क्योंकि ताकुमा बहुत दिनों से यामादा के साथ कॉन्टेक्ट करना चाहता था लेकिन वो कर नहीं पाया। उल्टा इधर अकाने का बॉयफ्रेंड यामादा निकल गया ये चीज देख के। तभी ताकुमा बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। लेकिन ताकुमा का गर्लफ्रेंड उसे कम्फर्ट करने की कोशिश कर रही थी। ये चीज देख के अकाने बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। अब हमें शाम का टाइम दिखाया जाता है जिधर यामादा एंड अकाने एक बार पे आया हुआ है, जिधर अकाने बहुत ज्यादा बियर पी लिया है एंड वो बहुत ज्यादा उदास है। वो अपनी मन की बात यामादा को बताने लगता है कि मैं ताकुमा को कम्फर्ट नहीं कर पाया, मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाया, ये सब उसको बोलने लगता है। लेकिन दूसरी तरफ यामादा बस उसको हाँ हूँ ये सब ही बोल जा रहा था। कुछ देर बाद अकाने उसे पूछता है कि ये प्रोग्रामर होता क्या है। यामादा कहता है कि प्रोग्रामर वो गेमर है जो गेम खेलता है, टूर्नामेंट खेलता है एंड उससे पैसा कमाता है। ये बात सुन के अकाने चौंक जाती है। अकाने यामादा को कहती है कि तुम बहुत ज्यादा कोल्ड हो है ना, इसी कारण तुम्हारा गर्लफ्रेंड तुम्हें छोड़ के भाग जाएगा। लेकिन यामादा उसे कहता है कि आज तक मेरा कोई गर्लफ्रेंड नहीं बना है एंड ये बात सुन के भाई अकाने बहुत ज्यादा चौंक जाती है। अकाने कहती है कि तुम कितना ज्यादा खूबसूरत हो, नहीं ये नहीं हो सकता, तुम्हारे पास तो गर्लफ्रेंड होना ही चाहिए। लेकिन यामादा कहता है कि मुझे ये सब रोमांस वाले चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इधर अकाने ड्रिंक करते करते सोचती है कि अभी ताकुमा एंड उसका गर्लफ्रेंड बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा होगा। ये सोचते सोचते वो रोने लगती है। तभी यामादा उसे रोते हुए देख के कुछ नोटिस करती है। इधर अकाने कहती है कि तुम रुको मैं थोड़ा सा वॉशरूम होकर आती हूँ। लेकिन जैसे अकाने वॉशरूम में जाती है वो नोटिस करती है कि उसके पैरों पे चोट लगी थी एंड ये बात उसे अभी रियलाइज हो रही है। वॉशरूम से जैसे वो बाहर आती है वो देखती है कि उधर यामादा नहीं है। ये चीज देख के वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। वो सोचती है कि हाँ उधर रहेगा क्यों मेरे साथ, वो तो बस जबरदस्ती इधर बैठा था। एंड जैसे ही अकाने रोने वाली थी तभी उधर यामादा आ जाता है एंड यामादा अकाने को रोते हुए देख के बहुत ज्यादा चौंक जाता है। यामादा अकाने को बैठने के लिए कहता है एंड अकाने जैसे ही बैठती है यामादा अपनी पॉकेट से एक बैंडेड निकालता है एंड वो अकाने के पैर में जो चोट लगा था ना उस जगह पे लगा देता है। एंड ये चीज देख के अकाने को कुछ रियलाइज होता है। अकाने सोचती है कि अच्छा तो ये बैंडेज लाने के लिए गया था मेरे लिए एंड अकाने को कुछ अजीब सा ही फीलिंग होने लगता है। अकाने रोती हुए कहती है कि आज मैं पूरी रात ड्रिंक करूंगी। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया गया जिधर अकाने बेड पे सो रही थी। लेकिन जैसे उसका नींद टूटा वो देखती है कि उसके रूम में यामादा बैठ के गेम खेल रहा है। इधर यामादा कहता है कि अच्छा तुम्हारा नींद टूट गया है, मुझे माफ कर देना मैं थोड़ा सा जोर से बात कर रहा था। लेकिन अकाने तो बस यामादा को ही देखे जा रहा था। लेकिन यामादा उसकी तरफ बढ़ने लगता है एंड ये चीज देख के अकाने बहुत ज्यादा घबरा जाती है एंड धराम से नीचे गिर जाती है। अकाने को याद आ जाता है कि पिछले रात को बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया था एंड वो अभी शायद यामादा के घर पे है। ये चीज देख के अकाने बहुत ज्यादा घबरा जाती है एंड वो यामादा को कहता है कि क्या तुम मेरे साथ कुछ गलत सलाह तो नहीं कर दियो ना। लेकिन तभी यामादा उसे कहता है कि अरे नहीं बाबा ऐसा कुछ नहीं किया मैं। फिर यामादा उसे सब कुछ बता देता है कि पिछली रात को हुआ क्या था। यामादा उसे कहता है कि पिछली रात तुमने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया था इसी कारण तुम चलने के हालत में नहीं थे, मैं तुम्हें उठा के ले आया था मेरे घर पे एंड मैं तुम्हारा बिल भी पे कर दिया था, तुमने तुम्हारे कपड़े पे उल्टियां भी कर दिया था इसी कारण मुझे तुम्हारा कपड़े भी धोना पड़ा था। ये सब चीज सुन के अकाने उसे बहुत ज्यादा माफी मांगने लगती है, कहता है कि मुझे माफ कर देना मैं तुम्हारा सब कुछ पैसा वगैरह लौटा दूंगी। फिर अकाने अपने ड्रेस को पहन के घर के लिए निकल पड़ती है एंड जाते टाइम वो यामादा से बार बार माफी मांगती है। यामादा से कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं तुम अपना ध्यान रखना। इधर अकाने घर जाते हुए सोचती है कि मैं पूरी रात एक लड़के के साथ बिताया जिससे मैं जानता भी नहीं हूँ, जिससे मैं अभी मिली हूँ, मुझे माफ कर देना मॉम। अब अकाने अपने घर पे आ चुकी है एंड कुछ देर बाद उसे रियलाइज होता है कि उसके गले पे जो नेकलेस था ना वो अभी नहीं है एंड ये चीज देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है एंड पूरा घर छान मारती है उस नेकलेस को ढूंढने के लिए। लेकिन वो नेकलेस उसे कहीं नहीं मिलता है, इसी कारण वो थाक करके बैठ जाती है। तभी अकाने को यामादा की बात याद आता है कि यामादा ने उसे बताया था कि यामादा ने उसके कपड़े को धो दिया था। तभी अकाने को ये रियलाइज होता है कि शायद मेरा नेकलेस तभी यामादा के घर पे ही रह गया होगा। इसी कारण अकाने झटपट से गेम के अंदर ऑनलाइन हो जाती है ताकि वो यामादा से बात कर पाए। लेकिन तभी जैसे वो गेम ऑन करता है तभी उसके गेम का लीडर रूरी ही में ऑनलाइन आ जाती है एंड ये रूरी ही में बहुत ज्यादा मजेदार पर्सनैलिटी है, आप लोगों को आगे पता चलेगा ये। लेकिन अकाने उसको इग्नोर करके यामादा को चेक कर रहा था
पता कि ये ऑनलाइन है या फिर ऑफलाइन, लेकिन वो देखता है कि यमादा अभी भी ऑफलाइन है। ये देख के वो बहुत ज्यादा उदास हो जाती है अकाने। एंड तभी हम लोगों को पता चल जाता है कि ये नेकलेस उसको दिया कौन था। दरअसल अकाने का जो एक्स बॉयफ्रेंड था ना, वो उसको ये वाला गिफ्ट दिया था। इसी कारण अकाने के लिए ये नेकलेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड प्रीशियस चीज है। इधर रूरी में अकाने को कहती है कि क्या हुआ तुम्हें, तुम्हें देख के तो ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत ज्यादा चिंता में हो, तुम मुझे शेयर कर सकती हो कि तुम्हारे परेशानी क्या है। ये बस सुनकर अकाने बहुत ज्यादा खुश हो जाती है एंड वो सब कुछ बता देती है कि उसके साथ क्या क्या घटा है। तभी रूरी में भी कहती है कि मेरा बहुत सारा फैन है एंड वो भी मुझे बहुत सारा गिफ्ट भेजता रहता है, इसी कारण मेरा घर फुल हो चुका है गिफ्ट के कारण एंड मैं अब बहुत सारा गिफ्ट भी नहीं रख पाती हूँ। इधर बस अकाने उसकी बातों को सुनी जा रहा था, कुछ नहीं बोल पा रही थी वो। तभी उधर यमादा ऑनलाइन आ जाता है एंड यमादा को देख के भाई बहुत ज्यादा खुश हो जाता है अकाने। अकाने जैसे उसे कुछ बोलने वाला था तभी रूरी में यमादा के साथ बातें करने लगता है। तभी अकाने बहुत ही जल्दी जल्दी यमादा को मैसेज करता है कि क्या तुम्हें कोई नेकलेस मिला है तुम्हारे अपार्टमेंट में, लेकिन यमादा सीधा मना कर देता है। ये चीज देख के वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है अकाने। इधर यमादा एंड रूरी में बात कर रहा था गेम के बारे में, तभी यमादा को नोटिस आता है कि एक साइड में कुछ वेपन्स पड़ा है एक डिब्बे के अंदर। ये देख के यमादा कह देता है कि ये किसका डिब्बा है जो ऐसे ट्रैश की तरह ऐसे फेंक के गया है इधर। रूढ़ी में भी कहता है कि हाँ ये किसका है। तभी उधर अकाने बोलने वाले थे कि वो मेरा है, लेकिन वो रुक जाती है क्योंकि यमादा बहुत ही उल्टा सीधा बोलने लगता है उस ओनर को जिसका ये सामान है। एंड वो सारे बातें सुन के इधर अकाने एकदम से चुपचाप हो जाती है, लेकिन यमादा बस उसको बेइज्जती करने जा रहा था। तभी अकाने कह देता है कि हाँ वो मेरा सामान है। ये बात सुन के रूढ़ी में शॉक्ड हो जाता है एंड चुप हो जाती है, लेकिन यमादा उसको बेइज्जती करने जा रहा था। ये चीज देख के यमादा गेम से लॉग आउट हो जाती है एंड इधर रूढ़ी को बहुत ज्यादा बुरा लगती है इस बात से, इसी कारण वो यमादा को डांटने लगता है। इधर हमें यमादा को दिखाया जाता है जो कि अपने गेम को बंद करके जैसे हमें चेयर से उठ के आगे बढ़ रहा था, तभी उसके पैर के नीचे कुछ आ जाता है एंड जैसे उस चीज को उठाता है वो देखता है कि अकाने जो लॉकेट ढूंढ रहा था ना वही लॉकेट है, लेकिन वो अभी टूट गया है। इससे टाइम अकाने को दिखाया जाती है जो कि गुस्से में रोते हुए सो जाती है, लेकिन उसके सपने में उसका एक्स बॉयफ्रेंड आ जाता है एंड उसे माफी मांगता है एंड उसे दोबारा से कन्फेस करता है एंड वो अकाने को और एक गिफ्ट देता है। अकाने जैसे उस गिफ्ट को खोलता है वो देखता है कि उस गिफ्ट में से अकाने का जो एक्स बॉयफ्रेंड था ना उसका न्यू गर्लफ्रेंड निकल आता है। ये देख के अकाने का सपना टूट जाता है। अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि अकाने मोमो के साथ बैठा हुआ था, जिधर मोमो अकाने का ये सपने को सुन के बहुत ज्यादा हंसने लगती है। मोमो उसे कहती है कि तुम बहुत ज्यादा बुद्धू हो, तुम अभी भी अपनी एक्स बॉयफ्रेंड से बाहर नहीं निकल पाए हो, मूव ऑन नहीं कर पाए हो, लेकिन दूसरी तरफ तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड को एक गर्लफ्रेंड भी मिल चुका है एंड वो लाइफ में एंजॉय कर रहा है। इधर अकाने कहते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं अब से मेरे एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में कोई बात नहीं करूंगा, मैं उसे भूलने की कोशिश करूंगा। इधर अकाने अपने घर की तरफ जाने लगती है एंड सोचने लगती है कि मैं रात को क्या करूंगी क्योंकि अभी मैं गेम भी नहीं खेल सकती हूँ, अकेले अकेले बोर हो जाऊंगी। तभी अकाने नोटिस करता है कि कुछ लड़की एक लड़के को घिर के खड़ा है एंड उसे कन्फेशन करने वाली थी। ये चीज देख के अकाने को उसका पुराना दिन याद आ जाती है कि कैसे जब वो स्कूल में पढ़ती थी तब वो अपनी फर्स्ट लव को प्रपोज करी थी, लेकिन तभी वो बंदा कहता है कि तुम लोगों का हो गया क्या। एंड ये बात सुन के अकाने जैसे पीछे मुड़ के देखता है वो देखता है कि वो बंदा और कोई नहीं वो यमादा है। यमादा उन दोनों को कहता है कि तुम लोगों ने मेरा 7 मिनट वेस्ट कर दिया, इतने टाइम में तो मैं एक गेम को फिनिश कर देता। ये बात सुन के अकाने एंड वो दोनों लड़की बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। इधर यमादा कहता है ठीक है मैं इधर से जाने वाला हूँ, ये बोल के उधर से जैसे जाने लगता है तभी अकाने यमादा के ऊपर चिल्लाने लगती है। फिर अकाने यमादा से माफी भी मांगता है। अकाने कहती है कि तुम उस लड़कियों के ऊपर बहुत ज्यादा हर्ष थे, ये सही नहीं था, लेकिन इधर यमादा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब अकाने कहती है कि ये लड़की अब तुम्हें प्रपोज करने वाली थी, लेकिन ये सब चीज यमादा को पता ही नहीं था। ये चीज देख के अकाने बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। वो कहती है कि ये बंदा इस गेम में इतना ज्यादा मगन हो चुका है कि नॉर्मल ह्यूमन नेचर क्या होता है ये सब कुछ ये भूल चुका है। फिर यमादा एंड अकाने जाने लगती है उधर से। तभी इन दोनों के बातों बातों में पता चल जाता है कि यमादा एक स्कूल में पढ़ता है एंड वो अभी 3rd ईयर में है। फिर अचानक से यमादा कहता है कि मुझे वैसे भी तुम्हारे साथ मिलना था दोबारा से। ये बात सुन के अकाने बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, मतलब उसके अंदर एकदम मन में लड्डू फूटा वाला सीन हो जाता है। लेकिन तभी यमादा उसे वो वाला नेकलेस निकाल के दे देता है जो कि टूट चुका है अभी। यमादा कहता है कि मुझे माफ कर देना, ये मुझे बहुत दिनों बाद मिला एंड मैंने इसके ऊपर पैर रख दिया, इसी कारण ये टूट चुका है। ये टूटा हुआ नेकलेस देख के अकाने अपने मन में सोचता है कि वैसे भी मेरा दिल टूट चुका है एंड ये भी 2 पीस में भाग हो चुका है। लेकिन अकाने यमादा को थैंक यू कह देता है क्योंकि यमादा ने उसे ये वापस दे दिया है। फिर हमें दिखाया जाता है कि अकाने बारिश के अंदर भागते हुए जा रहा था अपने घर की तरफ। ये चीज जैसे ही यमादा देखता है, यमादा भागते हुए अपना छाता लेके अकाने को वो छाता दे देता है एंड यमादा खुद भीगते हुए उधर से भाग के चला जाता है एंड इधर अकाने बस यमादा को ही देखे जा रहा था। अगले दिन हम देखते हैं कि अकाने अपने वो टूटा हुआ नेकलेस को लेके बहुत ज्यादा उदास था एंड लेटा हुआ था। तभी उसका डोरबेल बजने लगता है। ऐसे वो दरवाजा खोलता है, देखता है कि बहुत सारा कुरियर आ चुका है उसके घर पे एंड उस कुरियर के अंदर एक चिट्ठी भी था एंड जैसे वो चिट्ठी को पढ़ता है वो देखता है कि उसके मदर ने उसे कहा है कि ये तुम्हारा सब कुछ सामान हमने तुम्हारे इधर भेज दिया है क्योंकि तुम्हारे रूम को हम लोग ट्रेनिंग रूम में कन्वर्ट करने वाले हैं। इसीलिए ये देख के अकाने बहुत ज्यादा ही शॉक्ड होता है। अब हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जिधर मोमो अपने काम से सीधा अकाने के घर पे आ जाती है उसके मदद करने के लिए ताकि ये दोनों मिल के वो सारे सामान सही से रख पाए। लेकिन इधर मोमो बहुत ज्यादा ही टायर्ड थी, लेकिन अकाने उसकी
उसकी पैर को पकड़ के रोने लगती है, कहती है कि सारे सामान मेरा बहुत ज्यादा करीब है, बहुत ज्यादा प्रीशियस है, प्लीज एक भी सामान मत फेंक देना तुम। लेकिन इधर मोमो गुस्से में कहती है कि मैं तुम्हारा सारे सामान उठा के फेंक दूंगी। हमें कुछ देर बाद का सीन दिखा जाता है जिधर अकाने बैठ के रो रही थी क्योंकि उसका बहुत सारा अप्रीशियस सामान फेंकना पड़ेगा उसे। अभी उधर मोमो वो टूटा हुआ नेकलेस एंड वो छाता लेके आ जाती है। मोमो कहती है कि ये छाता तो नहीं आया लेकिन ये नेकलेस तो टूट चुका है तो इसे फेंकना पड़ेगा। एंड ये चीज देख के जो अकाने कुछ नहीं बोलता है, बस सीधा खड़ा रहता है। एंड वो अपने मन में सोचती है कि उसका जो सारे प्रीशियस चीजें है वो अपने साथ वो पूरे लाइफ के लिए नहीं रख सकती है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि सिर्फ एक टेडी बियर को छोड़ के वो सब कुछ फेंक दिया है। इधर मोमो अकाने को जैसे देखती है वो देखती है कि अकाने बहुत ज्यादा उदास है। इसी कारण वो अकाने को कहती है कि कोई बात नहीं, चलो हम लोग दोनों मिलके आज पूरी रात ड्रिंक करते हैं। फिर ये दोनों निकल जाता है ड्रिंक करने के लिए। अब हमें कुछ देर बाद का सीन दिखा जाता है जिधर रात को 11 बजने वाला है लेकिन किसी एक के घर पे बहुत ज्यादा कॉर्निंग बेल बज रहा था। एंड गाइस तभी हम देखते हैं कि वो दोनों और कोई नहीं, वो मोमो एंड अकाने था। एंड ये दोनों यामादा के घर पे डोर बेल बजा रही थी। ये दोनों इधर इसलिए आया था ताकि वो छाता वापस लौटा सके, लेकिन इधर यामादा बहुत ज्यादा एनॉयड हो चुका था। इधर मोमो सीधा जाके यामादा को हक कर लेती है, कहती है तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, एक काम करो तुम मुझसे शादी कर लो। एंड ये सारा चीज देख के यामादा बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल एंड गुस्से में आ जाता है। इधर अकाने कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैं बस सीधा तुम्हें थैंक यू कहने आया था एंड तुम्हें ये छाता लौटाने आई थी क्योंकि जिस दिन तुमने मेरी मदद किया था उस दिन मेरा लाइफ बहुत ज्यादा ही खराब चल रहा था, लेकिन तुमने मेरा उस सिचुएशन में मेरा साथ दिया इसलिए थैंक यू। एंड मोमो को लेकर उधर से जाने लगती है, कहती है कि तुम पुलिस बुलाओ उससे पहले हम लोग इधर से भाग जाएंगे। फिर अकाने मोमो को लेकर उधर से जाने लगती है। इधर यामादा भी अपने रूम पे जाने वाला था लेकिन वो रुक जाता है। एंड अकाने को पुकार के कहती है कि तुम उस दिन के बाद से गेम में लॉगिंग नहीं हुए थे, इसी कारण गेम का लीडर मतलब रूडी ही मैं तुम्हारे बारे में बहुत ज्यादा चिंता कर रहा था, तो तुम कल गेम में वापस आ जाना एंड हम लोग एक साथ खेलेंगे। एंड यामादा का ये बात सुन के अकाने बहुत ज्यादा खुश हो जाती है एंड उसे हाँ भी कहती है कि हम लोग एक साथ खेलेंगे। फिर अकाने एंड मोमो दोनों अपने घर में चली जाती है। अब हमें एक दिन का सीन दिखाया था जिधर अकाने एंड मोमो एक ग्रुप डेट पे आया हुआ है, लेकिन इस डेट के बारे में अकाने को कुछ पता नहीं था क्योंकि मोमो ने ये सब प्लान किया था। अकाने मोमो के साथ मन ही मन बातें करने लगती है। अकाने मोमो को समझाने की कोशिश करता है कि वो इधर से जाना चाहती है लेकिन मोमो कहती है कि नहीं मैं नहीं जाना चाहती हूँ। इधर अकाने के साइड पे जो बंदा बैठा था वो अकाने से पूछता है कि तुम क्या मोबाइल में कोई गेम खेल रही हो, लेकिन अकाने कहती है कि नहीं मैं बस पीसी गेम खेलता हूँ, मोबाइल गेम नहीं खेलता हूँ। एंड अकाने अपना गेम का नेम कहता है FOS, लेकिन इस गेम के बारे में इस लड़के को कुछ पता नहीं था, इसी कारण इसका माहौल बहुत ज्यादा ही ऑकवर्ड हो जाता है। अब हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि ये दोनों बाहर आ चुका है घर पे जाने के लिए। तभी अकाने कहती है कि हमारे गिल्ड लीडर है ना बहुत ज्यादा अच्छा है, उसका नाम रूडी ही में है, वो मेरा बहुत चिंता करती है। लेकिन इधर मोमो कहता है कि शायद ये जो गेम में है ना ये कोई लड़का है या फिर कोई बुड्ढा है, लेकिन अकाने कहती है कि नहीं नहीं रूडी हिमे तो एक लड़की है। फिर इधर मोमो कहती है कि ठीक है फिर मैं घर चलते हूँ, तुम भी अपने घर पे चले जाना। लेकिन तभी रूडी हिमे का मैसेज आता है। रूडी हिमे कहता है कि अभी मैं बाहर हूँ, घर जाते ही हम लोग गेम खेलेंगे। ये बात सुनकर अकाने भी राजी हो जाती है। अकाने जैसे ही अपने घर की तरफ जाने वाला था तभी एक लड़की उसके बाजू से निकल जाती है। एंड ये देखे अकाने को कुछ अजीब सा फीलिंग होती है एंड अकाने उस लड़की को ही देखे जा रही थी। अब हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जिधर अकाने गेम के अंदर लॉगिंग हो चुका था, लेकिन वो देखता है कि गेम पूरा सन्नाटा है, गेम के अंदर कोई लॉगिंग नहीं है। लेकिन तभी उसका नजर पड़ता है बाहर एंड देखता है कि बेलकनी के अंदर यामादा एंड रूडी में बैठ के बातें कर रहा था। एंड जैसे ही यामादा उन दोनों को पकड़ने की कोशिश करता है तभी वो उन दोनों का बातें सुनने लगती है। रूडी में कहती है कि पहले गेम के अंदर बहुत ज्यादा शांति था, कोई शोर शराबा नहीं था, हम दोनों अच्छे से बातें कर सकते थे, लेकिन अभी तो हर तरफ शोर ही शोर है। एंड ये बात सुन के जो अकाने बहुत ज्यादा चौंक जाती है। लेकिन इधर यामादा अकाने को देख लेता है एंड रूडी हिमे को भी बता देता है कि अकाने ऑनलाइन आ चुकी है। इधर रूडी हिमे अकाने को कहता है कि चलो तुम हमारे साथ ज्वाइन कर लो, लेकिन अकाने कहती है कि तुम दोनों कितने प्यार से बातें कर रहे थे, अगर मैं तुम्हारे साथ ज्वाइन कर लूंगा तो बहुत दिक्कत होगा तुम दोनों के अंदर। लेकिन रूडी हिमे कहती है कि नहीं नहीं कोई बात नहीं। फिर रूडी हिमे अकाने के साथ भी प्यार से बातें करने लगती है। तभी यामादा कहता है कि मैं किधर जाने वाला हूं इसलिए मैं अभी लॉग आउट करने वाला हूं। फिर रूडी हिमे कहती है कि ठीक है फिर मैं तुम्हें बाद में कॉल कर लूंगा। एंड ये चीज देख के अकाने बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। अकाने सोचती है कि यामादा तो किसी से बात नहीं करती है लेकिन वो रूडी हिमे के साथ बातें करती है। इधर अकाने अपने मन में खिचड़ी पकड़ने लगती है, वो सोचती है कि शायद रूडी हिमे एंड अकाने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, लेकिन अकाने सोचती है कि मैं इस बात से दुखी क्यों हो रहा हूँ। इधर हमें यामादा को दिखाया जाता है जो कि उसके फोन में एक मैसेज आता है कि हम लोग बाद में बातें करेंगे। एंड इधर यामादा भी लिख देता है कि हाँ ठीक है। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जिधर अकाने अपने कॉलेज में आया हुआ है एंड क्लासेस में है। तभी वो यामादा के बारे में सोचती है कि वो यामादा के अकाउंट को चेक करेगी ताकि उसे रूडी हिमे के बारे में कुछ पता चले, लेकिन वो खुद को रोक लेती है एंड कहती है कि नहीं नहीं ऐसा तो लग रहा है कि मैं यामादा को स्टॉक कर रही हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है कि अकाने अपने घर की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि एक दो दिन पहले जो उस लड़की को देखा था वो खूबसूरत सा लड़की यामादा के साथ है। एंड ये चीज देख के अकाने को बहुत ज्यादा अनइजी फील होती है एंड उदास टाइप हो जाती है। वो ये भी नोटिस करती है कि ये लड़की यामादा के हाथ को पकड़ रखी है। एंड ये देख के वो और भी ज्यादा दुखी हो जाती है। वो सोचती है कि शायद ये ही रूडी हिमे है एंड ये दोनों शायद गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। फिर अकाने उधर से भागते हुए अपने घर पे आ जाती है। अकाने यामादा एंड उस लड़की के बारे में सोच के बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। लेकिन तभी रूडी हिमे का मैसेज आ जाती है अकाने के पास। रूडी हिमे अकाने को कहती है कि हम जो गेम खेलने वाले थे ना
उसका और एक इवेंट होने वाली है। एंड हम लोग ये डिसाइड किए है कि हमारे जो सारे गिल्ड मेंबर है ना वो सभी लोग ऑफलाइन में मिलेंगे। इधर अकाने सोचने लगती है कि शायद आज वो लड़की रूरी में ही था जो कि यामाते के साथ इस बारे में बात करने के लिए आई थी। इधर रूरी में बहुत ज्यादा उसे मानने की कोशिश करता है कि आओ ना प्लीज हम लोग एक साथ मुलाकात करेंगे, इसी कारण अकाने भी मान जाती है। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया था जिधर अकाने रेडी होकर निकल जाती है उस लोकेशन पे जिधर ये लोग मीटअप करने वाले है। लेकिन अकाने उस जगह पे आके उसको ये समझ नहीं आ रहा था कि उसे जाना किधर है, लेकिन तभी पीछे से एक लड़के के साथ वो टक्कर खा जाती है। वो लड़का उसके मोबाइल को उठा लेती है एंड वो लड़का देख लेता है कि अकाने किस लोकेशन पे जा रही है। ये बंदा अकाने को बोलता है कि तुम गेम खेलती हो क्या? अकाने कहती है कि हाँ मैं गेम खेलती हूँ। ये बंदा भी कहता है कि हाँ मैं भी गेम खेलता हूँ एंड वो ये भी कहता है कि मैं एक मीटअप के लिए जा रहा हूँ। तभी ये बंदा अपने नाम कहता है एंड इस बंदे का नाम है ईटा। ईटा अकाने की तारीफ करने लगती है, कहती है कि तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। लेकिन अकाने को कुछ अजीब सा फीलिंग होता है उसका ये तारीफ सुन के। फिर हम देखते हैं कि ईटा बहुत ज्यादा बकबक कर ही जा रहा था एंड इधर अकाने सोचती है कि थैंक गॉड कि ये गेमर है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ईटा एक अजीब से नजरों से अकाने की तरफ देखे जा रही थी एंड इधर अकाने भी उसे देखे जा रहा था। मतलब ये वाला सीन थोड़ा सा अजीब सा है। तभी हम देखते हैं कि रास्ते की उस साइड से एक लड़की ईटा को बुला रहा था एंड ये वही लड़की है जो पिछले दिन यामादा के साथ था। लेकिन जैसे वो लड़की अकाने को देखती है वो थोड़ा सा अजीब सा एक्सप्रेशन देती है। इधर अकाने भी उस लड़की को ही देखे जा रही थी। लेकिन अकाने जैसे यामादा को देखती है वो भाग के जाता है यामादा के पास एंड उसके साथ बातें करने लगता है। लेकिन तभी ये लड़की जाके यामादा के हाथ को पकड़ लेती है एंड वो अकाने को घूर ही जा रहा था। इसी कारण अकाने को थोड़ा सा अजीब सा फीलिंग होती है। इधर अकाने उसे समझाने की कोशिश करती है कि मैं भी तुम लोगों का गिल्ड में हूँ एंड मेरा भी एक कैरेक्टर है। लेकिन ये लड़की अकाने को कुछ बोल नहीं रहा था, बस उसे घूरे जा रहा था। तभी उधर ईटा आ जाता है एंड ईटा कहती है कि ये अकाने चैन है। उसका ये बात सुन के अकाने उसके तरफ एंड ईटा अकाने की तरफ घूरे जा रहा था। इधर ये लड़की इन दोनों को घूरे जा रहा था एंड उधर यामादा इन तीनों को घूरे जा रहा था। यार इधर क्या चल रहा है भाई, ये एक दूसरे को घूरे ही क्यों जा रहा है? पीछे ये बुड्ढा, ये टकला कौन है भाई, छुप छुप के इन सभी को घूरे जा रहा था। तभी ये बुड्ढा कहता है कि चलो हम लोग सभी मिलके अंदर चलते हैं। एंड गाइस तभी हमें पता चलता है कि ये बुड्ढा भी एक गेमर है। गाइस तभी हमें उस दिन का सीन दिखाया जाता है अचानक से जिस दिन यामादा अकाने को उसके घर पे ले आया था क्योंकि अकाने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया था। तभी हमें दिखाया जाता है कि यामादा जब उसको अपने घर पे ले आया था तभी यामादा अकाने को उसकी बेड पे सुला देती है, खुद गेम खेलने लगती है क्योंकि उस दिन उसका गिल्ड में बहुत ज्यादा टूर्नामेंट चल रहा था। इसी कारण इधर यामादा अपने फ्रेंड लोगों को बता देता है कि उसका साथ चल के रहा है एंड उसके घर पे अभी एक लड़की सोया हुआ है। यामादा का फ्रेंड कहता है कि एक काम करो तुम उस लड़की का फोटो क्लिक करके हमें भेज दो, लेकिन यामादा उसे मना कर देता है। फिर इधर हम देखते हैं कि अकाने सपने में कुछ बोल रहा था, इसी कारण अकाने को देख के यामादा कहता है कि अपने दोस्त लोगों को चलो मैं कल खेलता हूँ, आज के लिए इतना ही सही है। फिर वो गेम से ऑफलाइन होकर अकाने के पास चली जाती है। वो देखता है कि अकाने सपने में रोते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, लेकिन तुम मुझसे दूर चले जाओ, मेरे पास मत आना। ये बोल के वो यामादा को हग कर लेता है एंड रोने लगती है। ये चीज देख के यामादा को कुछ समझ नहीं आता है कि अभी वो करे क्या, क्योंकि एक तो ये कहता है कि तुम मुझसे दूर रहो लेकिन ये मुझको हक करके बैठा है, तो मैं करूँ क्या। फिर हमें इधर दिखाया जाता है यामादा कुछ नहीं करता, बस कुछ देर तक खड़ा रहता है। इधर अकाने रोते हुए नीचे लौट जाती है। फिर यामादा हम लोगों को कहता है कि उस दिन ये लड़की बहुत देर तक रोया था लेकिन फिर वो सो गई। फिर हम देखते हैं कि यामादा अकाने को सुला देती है एंड यामादा कहता है कि ये रोमांस ये बहुत ज्यादा ही रफ है। अब सीन प्रेजेंट पे आ जाता है जिधर ये सभी मिलके उस मीटअप वाला रेस्टोरेंट पे बैठ के बातें कर रहा था जिधर ईटा एंड ताकेशो बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा था। गाइस मैं बता दूं ये ताकेशो इस बुड्ढा का नाम है एंड इधर अकाने इस लड़की से पूछती है कि क्या तुम रूढ़ी ही में हो, लेकिन ये लड़की कहता है कि नहीं मैं रूढ़ी ही में नहीं हूँ। ये बस उनके अकाने बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। तभी हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम रूना है। रूना अकाने से पूछती है कि तुम कौन हो एंड तुम हमारे गिल्ड में क्या कर रही हो। उसका ये बस उनके अकाने कुछ नहीं बोल पाती है, वो बस चुपचाप उसको ही देखे जा रही थी एंड ऑलमोस्ट रोने ही वाली थी। लेकिन तभी यामादा कहता है कि चलो हम लोग एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करते हैं। अभी ये बुड्ढा कहता है कि मेरा नाम ताकेशो है एंड मैं कुछ दिन पहले इस गिल्ड में ज्वाइन हुआ हूँ एंड मेरा कद्दू का खेत है। फिर ईटा कहता है कि मेरा नाम ईटा है एंड मेरा गेम का जो कैरेक्टर है ना उसका नाम है रूढ़ी ही में। एंड उसका ये बात सुनकर अकाने बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है क्योंकि अकाने को लगती थी कि रूढ़ी ही में कोई लड़की है। एंड तभी हमें पता चलता है कि रूना ईटा का बहन है एंड उसका जो कैरेक्टर है ना गेम में वो रूना से इंस्पायर्ड है। रूना कहती है कि मेरा बड़ा भाई बहुत ज्यादा क्रीपी है। लेकिन तभी ताकेशो कहता है कि यामादा एंड अकाने शायद तुम दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हो, है ना। ये बात सुनकर रूना बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है एंड शॉक्ड हो जाता है। रूना कहती है क्या सच में तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो, इसका क्या मतलब है। लेकिन तभी यामादा कहता है कि ये बहुत ज्यादा ही लंबी कहानी है, मैं तुम्हें कभी बाद में सुना दूंगा। लेकिन अकाने कहती है कि नहीं नहीं ये लंबी कहानी नहीं है, शॉर्ट कहानी है एंड सिंपल कहानी है। फिर हम देखते हैं कि अकाने छोटी छोटी नजरों से यामादा को देखे जा रही थी एंड वो नोटिस करता है कि रूना उसकी तरफ एक डेविल सा नजरों से घूरे जा रहा था। अकाने सोचती है कि शायद ये लड़की मुझसे नफरत करती है। इधर अकाने कहती है कि गेम में मैंने बहुत बार यामादा एंड रूढ़ीहिमे को फ्लर्ट करते हुए देखा था। यामादा कहता है कि हाँ ये भी एक अजीब सा परेशानी है मेरे लिए क्योंकि बीच बीच में ये मेरे साथ फ्लर्ट करने लगता है एंड मेरे को भी उसकी तरह बिहेव करना पड़ता है। एंड उसका ये बात सुनकर अकाने बहुत ही जोर जोर से हंसने लगती है। अकाने कहती है कि तुमने मुझे बोला था कि
तुम्हारा कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन जब मैं तुम्हें रूढ़ी हिमे के साथ ऐसे फ्लर्ट करते हुए देखता था तब मुझे लगता था कि रूढ़ी हिमे तुम्हारा गर्लफ्रेंड है एंड तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। लेकिन तब यमादा कहता है कि मैं इन सारे चीजों में झूठ नहीं बोलूंगा। तभी अकाने कहती है कि हाँ मुझे पता है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। लेकिन ये बात बोलने के बाद उसे रियलाइज हो जाता है अकाने को कि वो कुछ ज्यादा ही बोल दिया है एंड वो सोचने लगती है कि मैंने ऐसा क्यों बोला कि मैं खुश हूँ। लेकिन गाइस तभी वो देखता है कि रूना चान उसे भाई बहुत ही खतरनाक नजरों से देख रही थी। रूना चान कहती है कि आखिर तुम किस बात से खुश हो, क्या तुम यमादा को पसंद करती हो एंड ये बात सुन के जो है अकाने बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। लेकिन अकाने उसे मना करने लगती है कि नहीं 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 ऐसा कोई बात नहीं है। तभी आ जाता है उधर इता एंड वो रूना चान की मुंह को बंद कर लेता है। इधर अकाने बहुत ज्यादा परेशानी में फंस चुकी है एंड वो सोच रही थी कि वो क्या बोले। जैसे यमादा की तरफ देखता है वो देखता है कि यमादा उसे घूरे जा रहा था। ये चीज देख के अकाने यमादा की तरफ देखे जा रहा था, मानो कि उसके आत्मा में घुस चुका है वो। तभी उसके हाथ से ग्लास नीचे गिर जाती है एंड वो ग्लास टूट जाती है। इधर अकाने जैसे उस ग्लास को उठाने वाला था हाथ से तभी यमादा उसे रोक लेता है एंड कहता है कि नहीं तुम ऐसे मत उठाओ, तुम्हें चोट लग सकती है, इधर का जो स्टाफ है ना वो कर लेगा सफाई। लेकिन इधर हम देखते हैं कि अकाने उधर घूम जाता है उस साइड क्योंकि उसका फेस पूरा लाल हो चुका है एंड वो इसी हालत में यमादा को नहीं देख सकता है। इधर यमादा भी कुछ देर तक उसे घूरे जा रहा था अकाने को, तो कहता है कि मुझे बाहर जाके कॉल करना है, फिर वो बाहर चला जाता है एंड इधर अकाने अपने आप को शांत करके चेयर पे आके बैठ जाती है। अकाने जैसे ही देखती है वो देखते है कि इता बहुत ज्यादा खुश है लेकिन रूना चान बहुत ज्यादा गुस्से में उसकी तरफ देखे जा रहा था। इधर अकाने इस तकेसो से पूछता है कि कितने दिन से तुम लोग एक दूसरे को जानते हो। तकेसो कहता है कि हाँ बहुत दिन हो चुका है एंड हम लोग बहुत बार मीटअप भी कर चुके हैं। इटा आज बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि आज एक न्यू मेंबर आने वाला है मीटअप करने के लिए इसी कारण। ये बात सुनकर रूना चान कहता है कि क्या तुम मेरे भाई के पीछे भी पड़े हो। लेकिन अकाने कहते है कि नहीं नहीं ऐसे कोई बात नहीं है। इधर हम देखते है कि बाहर यमादा बैठा हुआ था जिधर इता के बैठ जाता है। इता कहता है कि मुझे लगा था कि तुम मुझसे कभी झूठ नहीं बोलते हो। लेकिन तभी यमादा कहता है कि नहीं नहीं मुझे उससे ऐसा वाइब आ रहा था अकाने से कि अकाने मुझसे कहने वाला था कि तुम मुझसे दूर रहो, इसलिए मैं बाहर आके बैठ गया। लेकिन इता कहता है कि शायद वो एम्बेरसिंग भी हो चुका है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन इधर यमादा को पता नहीं है कि वो क्यों एम्बेरसिंग है। इधर इता कहता है कि अकाने गेम में जैसा है रियल लाइफ में भी बिल्कुल वैसा ही है, बहुत ही प्यारी है वो, मतलब अकाने के बारे में तारीफ करने लगता है। इता ये भी कहता है कि तुम अगर ऐसे ही करते रहोगे ना तो तुम्हें कोई कभी गर्लफ्रेंड भी नहीं मिलने वाला है। लेकिन यमादा कहता है कि तुम ये गर्लफ्रेंड वगैरह की बात बोलना बंद करोगे क्या। फिर यमादा अचानक से शांत हो जाता है एंड उसे पास्ट का एक सीन याद आ जाता है जिधर एक लड़की रोते हुए कहता है कि क्या तुम मेरे लिए सॉरी फील कर रही हो एंड वो रो रही थी। फिर ये लड़की यमादा को कुछ कहती है जो कि हमें कुछ पता नहीं चलता कि क्या बोला हो। तो लड़की यमादा को गुड बाय बोल के उधर से चली जाती है एंड इधर यमादा बस उस लड़की को ही देखे जा रहा था। अब हमें शाम का टाइम दिखाया जाता है जिधर ये सभी लोग अपने अपने घर के जाने के लिए तैयार हो जाता है। इधर हमें पता चल जाता है कि अकाने एंड ताकिसो का बहुत अच्छे से दोस्ती हो चुका है। लेकिन इधर रूना चान अकाने की तरफ एक गुस्से की नजर से देखती है। वो अकाने चान को गाली देके कहती है कि मैं इसको गिल से निकाल के रहूंगी एंड ये बात सुन के बाकी के लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि यमादा एंड अकाने ट्रेन में जा रहा था अपने घर की तरफ एक साथ, जिधर अकाने यमादा के साथ बहुत सारे बातें करने लगता है। लेकिन हर बार की तरह यमादा बस हाँ हम ये सभी कर रहा था। इधर अकाने नोटिस करता है कि बहुत सारी लड़कियां बस उसे ही घूरे जा रहा था। तभी हम देखते हैं कि कुछ कारण की वजह से वो यमादा के ऊपर गिर जाती है, फिर वो अपने आप को संभाल के साइड में खड़ी होती है एंड वो तब नोटिस करता है कि वो सारे लड़की उसे नहीं यमादा को ही घूरे जा रहा है। हमें दिखाया जाता है कि अकाने यमादा से पूछता है कि तुम रात में क्या खाओगे डिनर में। यमादा कहता है कि मैं बस पुडिंग खाऊंगा। ये सुन के वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों एक स्टोर पे आ जाता है जिधर यमादा बस एक पुडिंग खरीदता है एंड जाते टाइम अकाने यमादा से पूछता है कि क्या तुम अकेले रहते हो। यमादा कहता है कि हाँ मैं अकेले ही रहता हूँ। फिर अकाने कहता है कि तुम फिर खाते कहाँ हो। वो कहता है कि मैं बाहर खा लेता हूँ। ये बात सुन के अकाने अपने मन में सोचता है कि क्या उसकी मदर यमादा को पसंद नहीं करता है क्या, क्योंकि उनका बेटा बाहर अकेले रहता है जिसे बाहर खाना खाना पड़ता है। फिर अचानक से यमादा रुक जाती है एंड वो कहती है कि तुम कुछ देर रुको मैं अभी आता हूँ। फिर वो अपने घर पे भागते हुए जाती है एंड उधर से बहुत सारा खाने का सामान ले आती है जैसे चावल कड़ी वगैरह, वो ये सब यमादा को दे देता है। लेकिन यमादा ये सब लेने के लिए मना कर देता है। अकाने कहती है कि नहीं तुम्हारा अभी टाइम है बहुत सारा अच्छा अच्छा हेल्दी हेल्दी खाना खाने का, लेकिन तुम ये सब क्यों खा रहे हो बाहर का, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, तुम अपना तबीयत पे ध्यान दो, खाने पे ध्यान दो। लेकिन यमादा कहता है कि नहीं मैं नहीं लेना चाहता हूँ ये। बट तभी अकाने का एक कॉल आता है। अकाने जैसे कॉल को उठाता है वो देखता है कि उधर रूना चान बात कर रहा था उससे कॉल से। रूना अपने भाई से उसका नंबर लिया था अकाने का। वो अकाने से माफी मांगता है क्योंकि आज बहुत बुरी तरीके से उससे बात किया हो, इसीलिए रूना कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नेक्स्ट सैटरडे को घूमना चाहता हूँ। ये सुन के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है अकाने एंड राजी भी हो जाता है एंड ये सारे बात बैठ के यमादा भी सुन लेता है। यमादा कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारा ये खाना ले लूंगा, कोई बात नहीं। फिर हम देखते हैं कि यमादा अपने घर पे आ चुका है एंड अपने मोबाइल पे चेक करता है। वो देखता है कि नेक्स्ट सैटरडे को तो रूना को यमादा पढ़ाने के लिए जाएगा, मतलब ट्यूशन। फिर यमादा सोचता है कि शायद रूना अकाने को कुछ गलत बता दिया है। अब हमें नेक्स्ट सैटरडे का सीन दिखाया जाता है जिधर यमादा बैठ कर कुछ कर रहा था कंप्यूटर में। तभी ईटा का कॉल आ जाता है। ईटा कहता है कि तुम फ्री हो ना। यमादा कहता है कि हाँ थोड़ा बहुत तो फ्री हूँ। ईटा कहता है तो फिर तुम आ जाओ मेरे बहन को पढ़ाने के लिए। लेकिन यमादा कहता है कि अभी आना पड़ेगा क्या जिस टाइम में पढ़ाता हूँ। ईटा कहता है कि हाँ लेकिन दिक्कत क्या है। यमादा कहता है कि ठीक है। यमादा सोचता है कि उस दिन रूना चान ने अकाने को कहा था कि वो इस
सैटरडे को उसके साथ मिलना चाहता है। इसी कारण अकाने भी बहुत ज्यादा खुश हो गया था। अब सीन चेंज होता है, हमें दिखाया था कि एक कैफे के अंदर अकाने एन एक अजीब सा आदमी बैठा हुआ था। एन ये आदमी अकाने को रूडी ही में कह के बुला रहा था। वो अकाने का बहुत ज्यादा तारीफ करने लगता है, लेकिन इधर अकाने सोचती है कि ये आदमी है कौन एंड रुनाचन अभी तक क्यों नहीं आया है एंड ये आदमी कहां से टपक पड़ा। अभी अकाने कहती है कि मैं रूडी ही में नहीं हूँ, लेकिन ये आदमी अकाने का सारे के सारे बात इग्नोर करके बस उसका ही तारीफ किया जा रहा था एंड इसी कारण अकाने को बहुत ज्यादा अजीब सा फीलिंग होने लगता है। तभी अकाने के पास रुनाचन का मैसेज आता है, जिधर रुनाचन कहती है सॉरी आज मैं आ नहीं सकता कुछ काम के कारण, इसीलिए मैं मेरा गेमर फ्रेंड को भेज दिया हूं तुम्हारे साथ घूमने के लिए, तुम एंजॉय करना। एंड ये बात देख के भाई बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है अकाने। अकाने कहता है कि मैं थोड़ा सा वॉशरूम होकर आता हूँ। फिर वो अकाने वॉशरूम में आके उदास हो जाती है। इसे हम देखते हैं कि यमादा रूना के घर पे आ चुका है उसे पढ़ाने के लिए, लेकिन इधर रूना के मॉम यमादा को कहता है कि रूना का एटीट्यूड बहुत ज्यादा खराब हो चुका है, इसी कारण उसके स्कूल में कोई दोस्त नहीं बन पा रहा है। फिर हम देखते हैं कि यमादा रूना के रूम पे आ चुका है एंड इधर रूना बहुत ज्यादा खुश हो जाता है यमादा को देख के। रूना अपनी मदर को अपने रूम पे घुसने ही नहीं देती है। फिर इधर हमें दिखाया जाता है कि रूना अपने सारे होमवर्क वगैरह दिखा रहा था यमादा को। वो सोच रही थी कि यमादा उसकी तारीफ करेगा, लेकिन यमादा उससे पूछता है आज तो तुम किधर जाने वाले थे किसी के साथ, लेकिन रूना कहता है कि नहीं मैं किसी के साथ किधर भी नहीं जाने वाला था आज। तभी हम देखते हैं कि अकाने रूना को कॉल करती है एंड ये चीज नोटिस कर लेती है यमादा, लेकिन रूना ऐसे बिहेव करती है कि उधर कुछ हुआ ही नहीं है। इधर हम देखते हैं कि अकाने बहुत ज्यादा उदास हो चुका है क्योंकि रूना उसका कॉल नहीं उठा रहा है एंड उसे अभी क्या करना चाहिए उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी उधर वो आदमी आ जाता है लेडीज बाथरूम में एंड वो अकाने को पुकारने लगती है। तभी अकाने ये चीज देख के बहुत ज्यादा डर जाती है। अकाने सोचती है कि ये लड़कियों की वॉशरूम में कैसे घुस चुका है, इसे कुछ समझ नहीं है क्या। इधर अकाने बोल देता है कि मेरा पेट में दर्द कर रहा है तुम इधर से चले जाओ, लेकिन ये बात सुन के वो आदमी उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगता है एंड ये चीज देख के अकाने बहुत ज्यादा डर जाती है। इसे हमें दिखाया जाता है कि रूना यमादा को सब कुछ सच सच बता देती है कि उसके भाई का मतलब इता का एक फैन है जो इता का जो रूढ़ीहिमे वाला कैरेक्टर है उसे बहुत ज्यादा पसंद करती है। इसी कारण मैंने उस लड़के को ये मैसेज किया कि रूढ़ीहिमे आज तुम्हारे साथ मुलाकात करना चाहती है, इसी कारण वो बंदा उधर चली गई है। उस बंदे को ये पता नहीं है कि रूढ़ीहिमे एक लड़का है एंड मैं इधर से अकाने को भेज दिया हूँ। ये बात सुनकर यमादा गुस्से से उधर से जाने लगता है। उन्होंने पूछता है कि किधर तुमने उन दोनों को मुलाकात करने के लिए भेजा है। उन्होंने कहती है कि क्या तुम क्या करने वाले हो अभी। यमादा कहता है कि ऑफकोर्स मैं उसे अभी लेने के लिए जा रहा हूँ क्योंकि ये डेंजरस भी हो सकता है। तभी हम देखते हैं कि रूना यमादा के हाथ को पकड़ लेता है, कहता है कि मेरा पढ़ाई का क्या होगा। यमादा कहता है कि मैं आके तुम्हें सब कुछ पढ़ा दूंगा। तभी उधर इता आ जाता है एंड ये वाला सिचुएशन को देख के उसे कुछ समझ नहीं आता है। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, इधर इता को भी सब कुछ पता चल गया था कि इधर क्या चल रहा है। इधर रूना बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। वो सोचती है कि पिछले के टाइम पे हम चारों कितने अच्छे से मिलते थे, एंजॉय करते थे, लेकिन जब से ये अकाने हमारे गिल्ड में आई है तब से मैं इसे पसंद नहीं करती हूँ। फिर हम देखते हैं इधर ताके से रोते हुए आ जाता है, बहुत ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि इता ने उसे झूठ बोला था। वो बोला था कि अकाने को किसी ने किडनैप कर लिया है। इता इसको इसलिए बोला क्योंकि ताकासो के पास एक कार है, उसे ड्राइविंग भी आता है इसी कारण। फिर हम देखते हैं कि ये चारों के चारों निकल जाता है अकाने को लाने के लिए। फिर हम देखते हैं कि रूना अपने भाई को कहता है कि मैं उसे माफी नहीं मांगने वाला हूँ। ये बात सुनकर इता बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। रूना कहता है कि तुमने उसे हमारे गिल्ड में क्यों एंटर किया। इता कहता है कि वो मेरा गिल्ड है, मैं जिससे भी एंटर करूं तुम्हें क्या। फिर इता कहता है कि वो तो बस तुम्हारे साथ दोस्ती करना चाहता था। एंड ये बात सुनकर हम देखते हैं कि रूना थोड़ा सा उदास हो जाती है। इधर हम देखते हैं कि ये सभी के सभी उधर आ जाता है, जिधर ये लोग देखता है कि अकाने अभी भी उस लड़के के साथ उधर बैठा हुआ है एंड इधर यमादा बस अकाने को देखे जा रहा है। अभी ताकेसो भागते हुए जाता है अकाने के पास एंड पूछता है क्या तुम ठीक हो। ताकेसो सीधा जाता है उस बंदे के पास, उसे धमकी देना शुरू करता है, लेकिन ये बंदा कहता है कि यार भाई तुम हो कौन एंड मुझे क्यों धमका रहे हो। तभी यमादा एंड इता भी उधर आ जाता है, जिधर यमादा देख लेता है कि अकाने के पैर पे चोट लगी है। फिर इधर इता आ जाता है एंड इता अकाने से माफी मांगता है उसके बहन के कारण। तभी इता भी उस चोट को देख लेता है। तभी वो बंदा कहता है कि उसके पैर पे जो चोट लगा है ना वो मेरे कारण ही लगा है। ये बस उनका इता बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, उस बंदे का कॉलर पकड़ लेता है, कहता है कि क्या क्या तुम बोल रहे हो ये सब, मुझे सब कुछ सच सच बताओ कि क्या हुआ इधर। फिर ये बंदा कहता है कि जब मैं गर्ल्स वॉशरूम में गया था तब मैं अकाने को पुकार रहा था, इसी कारण अकाने बहुत ज्यादा घबरा गया था एंड वो नीचे गिर के उसके पैर पे चोट लग गई थी। इधर ये बंदा ऐसे चीलों के ये सब बातें बता रहा था, ये देख के भाई अकाने बहुत ज्यादा गुस्से हो जाती है एंड हमें कैसे पता चल जाता है कि ये बंदा सच में एक बुद्धू है, इसमें नॉर्मल कोई सेंस वगैरह नहीं है। फिर इता एंड ताकेसो उस बंदे के ऊपर गुस्सा होने लगता है। उधर अकाने चुपचाप बैठी थी, फिर वो यमादा को देख लेती है, इसी कारण वो यमादा को हाय कहती है। इधर यमादा उसे माफी मांगता है, यमादा कहता है कि मेरी गलती है, मुझे तुम्हें बता देना चाहिए था कि उस दिन ही कि आज रूना का ट्यूशन डेट है, लेकिन इधर अकाने कहती है कि कोई बात नहीं। फिर वो अकाने खुश हो जाती है, लेकिन तभी अकाने देखती है कि दूर रूनाचन खड़ा है एंड वो बहुत ज्यादा उदास है। देखती है कि रूनाचन उधर से भागने लगती है, इसी कारण अकाने में उठ जाता है, लेकिन उसके पैर पे दोबारा से चोट लग जाती है। ये चीज रूनाचन भी नोटिस कर लेती है, इसी कारण रूनाचन भागते हुए अकाने के पास आ जाती है एंड वो बहुत देर से कोशिश करता है कि अकाने को सॉरी बोल दे, लेकिन तभी उधर इता आ जाती है। इता कहता है कि चलो आज तुम्हें एक लेक्चर तो सुनना ही पड़ेगा। इधर हम देखते हैं कि रूनाचन यमादा को मदद करने के लिए बोलता है, लेकिन यमादा भी उसे मना कर देता है। फिर हम देखते हैं कि इता उसे पकड़ के ले जा रहा होता है, लेकिन तभी अकाने कहती है कि मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है। स्टेशन से 500 मीटर दूर में एक स्टोर
स्टोर है, उधर से मेरे लिए मेडिसिन ले आओ। रीना चंद कहती है ठीक है मैं ले आती हूँ। लेकिन तभी अकाने कहते है कि नहीं तुम रुक जाओ, तुम मेरे पेट में थोड़ा सा रब कर दो। एंड अकाने कहता है कि तुम सभी लड़के जाओ एंड मेरे लिए दवाई ले आओ। तो सारे लड़के उधर से चला जाता है। इधर हम देखते हैं कि अकाने एंड रीना चंद उधर बैठा हुआ है एंड इधर का माहौल बहुत ज्यादा ऑकवर्ड है। तभी हम देखते हैं कि अचानक से अकाने मुस्कुराते हुए रीना चंद से पूछता है कि तुम्हारा लेवल क्या है। रीना चंद कहता है कि मेरा लेवल हाई है, मतलब मैक्स लेवल। इधर अकाने कहता है कि मेरा लेवल तो बहुत ज्यादा लो है। फिर ये दोनों कुछ देर तक बातें करते रहता है ऐसे गेम के बारे में। रीना चंद बहुत ज्यादा उदास था, वो कहता है कि तुम इतना ज्यादा अच्छे कैसे हो सकते हो, तुम्हें तो मेरे ऊपर गुस्सा होना चाहिए था क्योंकि मैंने तुम्हें इतना ज्यादा कष्ट दिया। फिर अकाने अपने मन में सोचता है कि वैसे भी इता इससे बहुत ज्यादा डटने वाला है आज। फिर अकाने कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तो बस तुम्हारे साथ दोस्ती करना चाहता था, मैं तुम्हारे गैंग में एंटर होना चाहती थी ताकि हम लोग सभी मिलकर बहुत ज्यादा एंजॉय कर सके। उसका ये बात सुन के रूना बहुत ज्यादा रोने लगती है। फिर हम देखते हैं कि यामादा एंड उसका सारे फ्रेंड उधर आने लगता है। दूर से वो लोग देखता है कि रीना चंद रो रहा है एंड अकाने उसको शांत करा रही है। यामादा तो बस अकाने को ही देखे जा रहा था। फिर हम गुजर बात का सीन दिखते है जिधर इता रीना चंद को शायद डांट रहा था एंड इधर इस टेबल पे अकाने एंड यामादा बैठा हुआ था। इधर अकाने कहती है कि मैं कुछ दिनों में रीना चंद के साथ दोस्ती कर लूंगी, रीना चंद बहुत ही अच्छी है। लेकिन इधर तो बस यामादा अकाने को ही घूरे जा रहा था। अभी इधर वो अजीब सा आदमी आ जाता है एंड वो आके अकाने को प्रपोज कर देता है, लेकिन अकाने उसे सीधा मना कर देता है। अब अगले सीन में हमें रीना के बारे में बताया जाता है जिधर हमें पता चलता है कि रीना बचपन से ही प्रिंसेस की तरह ट्रीट किया गया है, इसी कारण वो किसी अनजान लड़कों या फिर लड़कियों से बातें नहीं करता। एंड रीना का जो स्कूल है ना उधर भी उसका कोई फ्रेंड नहीं है क्योंकि वो किसी को पसंद ही नहीं करता है। एक दो लड़कियां है जो इससे बातें करता है लेकिन रीना उन लोगों को पसंद नहीं करती है, इसी वजह से उसका कोई फ्रेंड नहीं है। लेकिन रीना का जो है ऑनलाइन में बहुत ज्यादा ही फ्रेंड है जो रीना को बहुत ज्यादा ही पसंद करता है। अब सीन प्रेजेंट पे आता है जिधर हमें दिखाया जाता है कि आज स्कूल खत्म होने के बाद रीना अकाने के अपार्टमेंट पे आया हुआ है। हमें पता चल जाता है कि रीना एंड अकाने अब अच्छे दोस्त है, लेकिन रीना जो है अकाने से बहुत ज्यादा ही छोटी है। तभी हम देखते हैं कि रीना अकाने को दिखाता है कि आज उसके क्लासमेट कुछ अजीब सा डांस कर रहा था एंड वो डांस स्टेप वो खुद करके दिखाता है। एंड ये चीज देख के जो अकाने को कुछ समझ नहीं आता है कि ये करना क्या चाहता है। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों बैठ के पुडिंग खाने लगता है। तभी अकाने के मोबाइल पे एक मैसेज आती है जो कि था मोमो का। एंड ये चीज देख के जो है रीना बहुत ज्यादा जेलसी करने लगता है क्योंकि वो चाहती है कि अकाने के पास एक ही फ्रेंड रहे एंड वो बस वही रहे, मतलब रीना। तभी अचानक से अकाने उसे दिखाने लगता है कि आज स्टेशन पे एक बहुत ही फेमस एक्टर आया हुआ है, इसी कारण वो उसे देखने के लिए जाएगी। लेकिन रीना को उस एक्टर से कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि अकाने बहुत ही फास्ट रेडी होके रीना को पकड़ के ले जाती है उस एक्टर को देखने के लिए। तभी हम देखते हैं कि रास्ते में बहुत सारे लोग कुछ अजीब सा टाइप का डांस कर रहा था। ये देख के अकाने कहता है कि चलो हम भी ऐसे टाइप का डांस करें। ये बात सुनकर रूडी कहता है कि नहीं मैं ऐसे अजीब टाइप का डांस नहीं करने वाली हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि अकाने वैसे डांस करने लगता है, इधर रूडी भी वो डांस करने लगता है। दोनों बहुत ही मजे में ये डांस करने लगती है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि मोमो अकाने के घर पे आया हुआ है जिधर वो बहुत ज्यादा डिप्रेस है क्योंकि ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाला था इन लोगों का एंड ये प्लान था कि ग्रेजुएशन के बाद वो शादी करने वाला है। लेकिन शादी करने के लिए तो एक बॉयफ्रेंड चाहिए जो कि इसके पास नहीं है। ये सोच के मोमो बहुत ज्यादा उदास होती है। मोमो ये सारे बात अकाने को बताने लगता है लेकिन अकाने उसको इग्नोर करके पूरा गेम पे फोकस कर रहा था एंड गेम में बहुत ज्यादा लेवल अप करने लगती है। ये चीज देख के मोमो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, कहती है कि मैं मेरे दुख भरी कहानी तुम्हें सुना रही हूँ, तुम गेम खेल रहे हो अभी भी, वो भी इस मिडिल स्कूल बच्ची के साथ। ये सुनकर रीना कहती है कि मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। लेकिन इधर मोमो बहुत ज्यादा गुस्से से उसके ऊपर देखने लगता है, इसी कारण रीना बहुत ज्यादा डर जाती है एंड जाके अकाने को हक कर लेती है। मोमो कहता है कि तुम्हारा तो अच्छा है, तुम्हारा तो पूरा सेट है क्योंकि तुम्हें एक हैंडसम लड़का मिल गया है। लेकिन अकाने कहती है कि नहीं वो मेरा अच्छा दोस्त है, मतलब ये लोग यामादा के बारे में बात कर रहा था। रीना कहती है कि यामादा बहुत ज्यादा पॉपुलर है एंड बहुत ज्यादा खूबसूरत है। ये बस उनके मोमो कहता है कि क्या मेरा कोई चांस होगा उसके साथ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अकाने कहती है कि यामादा ने मेरा कभी मदद नहीं किया लेवल अप करने के लिए। तभी रीना कहती है कि क्योंकि तुम्हारा लेवल बहुत ज्यादा कम है इसी कारण वो तुम्हारे साथ नहीं खेलता है। तभी हम देखते हैं कि गेम में ऑनलाइन आ जाता है यामादा एंड उसे देख के अकाने बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अकाने दौड़ के जाती है यामादा के पास एंड उसे दिखाने लगती है कि वो एक न्यू इक्विपमेंट खरीदा है। लेकिन यामादा उस चीज को देख के कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा यूजलेस है, तुम्हारा लेवल बहुत ज्यादा कम है इसी कारण इसको भी लेवल अप नहीं कर सकते हो तुम। इसको लेवल अप करने के लिए बहुत सारा जेम्स चाहिए जो कि मॉन्स्टर्स को मारने के बाद ही मिलता है, लेकिन तुम तो बहुत ज्यादा लो लेवल के हो। ये सुन के अकाने थोड़ा सा डिप्रेस होता है लेकिन वो अचानक से मोटिवेट हो जाती है एंड वो कहने लगती है कि ठीक है मैं बहुत ज्यादा मेहनत करूंगी एंड मॉन्स्टर्स को मार के लेवल अप करूंगी। तभी हम देखते हैं कि यामादा अकाने के पास घूरे जा रहा था एंड ये चीज देख के अकाने बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अकाने को खुश देख के मोमो बहुत ज्यादा जेलसी फील करती है एंड वो सीधा जाके अकाने के गर्दन को पकड़ लेती है एंड कहती है कि चलो हम लोग ग्रुप डेट पे जाते हैं। अकाने उसे कहती है कि चलो तुम भी गेम खेलने की कोशिश करो, लेकिन मोमो कहती है कि नहीं मुझे गेम खेलना नहीं आता है। फिर अकाने कहती है कि ठीक है तुम मुझे देखो कि मैं कैसे गेम खेलता हूँ एंड जैसे ही अकाने उसे दिखाने के लिए माउस को क्लिक करती है तब हम देखते हैं कि लैपटॉप से धुआं निकलने लगती है एंड ये चीज देख के भाई दोनों के दोनों बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, मतलब फ्यूज उठ जाता है दोनों का। फिर हमें रात का सीन दिखाया था जिधर रीना अपने ब्रदर इता को कहता है कि अकाने का लैपटॉप खराब हो चुका है इसी कारण वो गेम नहीं खेल पा रहा है एंड उसे लेवल अप करना था बट वो नहीं कर पा रहा है इसी कारण वो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया
आया था जिधर अकाने बैठ के रो रहा था एंड लैपटॉप के बारे में देख रहा था। तभी उसका डोरबेल बजता है एंड जैसे वो दरवाजा खोलता है वो देखता है कि उधर यामादा है एंड यामादा को रुनाचन ले आया है। फिर पिछली रात का सीन दिखाया था जिधर इता बहुत बार यामादा को कॉल करता है, तब यामादा सो रहा था। यामादा जैसे ही कॉल को पिक करता है तब इता उसे सब कुछ बता देता है कि अकाने का लैपटॉप खराब हो चुका है एंड यामादा को जाके उसको चेक करना चाहिए कि उसका लैपटॉप कैसे ठीक हो जाए। लेकिन पहले तो यामादा मना करता है कि वो नहीं जाएगा, बट तभी उसे याद आता है कि अकाने बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था उसके गेम को लेके एंड वो बहुत ज्यादा खुश था, इसी कारण वो राजी हो जाता है। अब सीन प्रेजेंट पे आता है जिधर हमें दिखाया जाता है कि यामादा बैठ के अकाने का लैपटॉप चेक कर रहा था एंड अकाने उसके लिए स्नैक्स ले आया होता है। इधर अकाने को देख के जो है रुनाचन सोचती है कि इता ने उसे बताया था अकाने चान बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि गेम में उसका जैसा पर्सनैलिटी है रियल लाइफ पे भी उसको ऐसे ही पर्सनैलिटी है। वो एकदम नॉर्मली बिहेव करता है, वो किसी के सामने ज्यादा नाटक नहीं करती, अपनी ट्रू सेल्फ को दिखाती है, इसी कारण वो यामादा के लिए एकदम परफेक्ट लड़की है। इधर हमें दिखाया जाता है कि रुना अकाने एंड यामादा का एक पिक्चर क्लिक करके अपने भाई इता को सेंड कर देता है। इता वो पिक्चर देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। इता कहता है कि तुम एक काम करो, उन दोनों को क्लोज रहने के लिए कुछ करो। लेकिन रुनाचन को पता नहीं है कि क्लोज करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। फिर वो सोचने लगता है कि मंगा में क्या क्या किया जाता है एक कपल को क्लोज करने के लिए। इधर रुना बहुत बार ट्राई करता है कि वो अकाने एंड यामादा को क्लोज ला पाए, लेकिन उसका हर एक प्लान फेल हो जाता है। लेकिन लास्ट में वो सोचता है कि वो अकाने को धक्का देगा तब अकाने यामादा के ऊपर गिर जाएगा, इसी कारण दोनों बहुत ज्यादा क्लोज हो जाएगा। फिर हम देखते हैं कि रुनाचन अकाने को धक्का मारते मारते यामादा के ऊपर गिरा देता है, लेकिन इसी वजह से दोनों को बहुत ज्यादा चोट लग जाता है। तभी हम देखते हैं कि अकाने की हेयर की वजह से यामादा की आंखों में चोट लग जाता है एंड इसी वजह से उसे बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। तब बहुत ही एकदम लाइट की स्पीड से अकाने यामादा को चेक करता है कि वो ठीक है कि नहीं है, लेकिन ये दोनों बहुत ज्यादा क्लोज आ चुके थे एंड ये दोनों बस एक दूसरे को ही देखे जा रहा था। लेकिन गाइस तभी रुना रोने लगता है क्योंकि उसकी वजह से यामादा को चोट लग गया है। इधर यामादा कहता है कि मैं अभी घर पे जाने वाला हूँ क्योंकि कुछ सामान मैं घर पे भूल आया हूँ, वो लेके मैं जल्दी से जल्दी वापस आ जाऊंगा। इधर रुना एंड अकाने यामादा को कुछ बताने वाला था लेकिन यामादा उसे इग्नोर करके उधर से जल्दी से जल्दी निकल जाता है। इधर हम देखते हैं कि अकाने बहुत ज्यादा उदास हो जाती है एंड वो सोचती है कि मेरी वजह से आज यामादा बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल में पड़ गया था क्योंकि वो ये सब पसंद नहीं करता है एंड मैं अचानक से उसके ऊपर ऐसे कूद गई, उसके सामने ऐसे क्लोज चली गई, इससे शायद उसे बुरा लगा होगा। एंड दूसरी तरफ हमें यामादा को दिखाया जाता है जो कि जल्दी जल्दी उधर से निकल रहा था। एंड इसी तरीके से माई लव स्टोरी विद यामादा कुन एंड लेवल 999 का पार्ट 1 खत्म होता है। तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट में बताना कि मैं इसका पार्ट 2 लाऊं या फिर नहीं लाऊं। अगर इस वीडियो में 6000 लाइक हो जाएगा तो मैं इस वीडियो का पार्ट 2 जरूर लाऊंगा। तो मिलते हैं और एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।